नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 5 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सोमवार के आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात साफ कर दिया था कि फिलहाल वे पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के 3 कर्मचारियों का बुधवार को असम में एक रिंग साइट से अज्ञात सशस्त्र उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया। इन कर्मचारियों को असम में शिवसागर जिले के लकवा फील्ड से अगवा किया गया। कंपनी ने एक ट्वीट में कहा, ONGC के 3 कर्मचारी, जिसमें 2 सहायक कनिष्ठ अभियंता और 1 कनिष्ठ टेक्नीशियन शामिल है, उन्हें 21 अप्रैल 2000 की तड़के अज्ञात सशस्त्र बदमाशों ने अगवा कर लिया। अपहरण की यह घटना शिवसागर जिले के लकवा फील्ड में ONGC की एक रिंग साइट पर हुआ था। ONGC 1960 के दशक की शुरुआत से ऊपरी असम में तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य पुलिस के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर हैं। स्थानीय प्रशासन को घटना के बारे में बता दिया गया है और ONGC उच्च अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। लक्षण मिलने के बाद शहाबुद्दीन का कोरोना टेस्ट करवाया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद शहाबुद्दीन को DDU अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि फिलहाल शहाबुद्दीन की हालत ठीक है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले दिनों कई कैदी और जेल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हुए हैं। शहाबुद्दीन फिलहाल अपराध के एक मामले में तिहाड़ जेल के अंदर सजा भुगत रहा था और वह राष्ट्रीय जनता दल का सांसद तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस और ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज कोरोना प्रभावित राज्यों को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन देगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को यह ऑक्सीजन मुफ्त में मुहैया कराएगा। इसके लिए कंपनी गुजरात के जामनगर की अपनी रिफाइनरीज की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और अपग्रेड कर रही है। जामनगर की रिफाइनरी पहले 100 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही थी, अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 700 टन करने का फैसला किया गया है। फिलहाल RIL की ओर से केवल 3 राज्यों को ही ऑक्सीजन दिया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में रोजाना 70,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए एयर इंडिया ने 7 दिनों के लिए ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाए गए इस प्रतिबंध पर एयर इंडिया ने इस दौरान यात्रा करने वाले पैसेंजरों से बताया, ब्रिटेन द्वारा लागू किए गए हालिया प्रतिबंधों के बाद 24 से 30 अप्रैल के बीच निर्धारित उड़ानों को रद्द किया गया है। इन उड़ानों के संबंध में रिफंड, रिशेड्यूलिंग समेत तमाम जानकारियां बाद में दी जाएगी। एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी साझा की और रद्द किए गए उड़ानों के विवरण भी दिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।